और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ 5 मिनट में 10 बड़ी खबरें चुनाव से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करेंगे रोड शो। इसके लिए पार्टी ने कर दी तैयारियां शुरू। प्रधानमंत्री के रोड शो का जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें 2014 और 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चुनाव से पहले किया था रोड शो। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए सभी दल चुनावी अभियान में जुट गए हैं। इसी के तहत आज गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां पर भुवनगिरी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में मोदी मोदी के लग रहे हैं नारे। 3 चरण के चुनाव में 200 के पार पहुंच गए हैं और अब 400 पार पहुंचने के लिए वोट करना है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर चित्रकूट में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके अलावा फतेहपुर में भी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से करेंगे वोट की अपील। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 14वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बीएसपी ने जहां कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान को दिया टिकट, वहीं देवरिया सीट से संदेश यादव को उतारा है चुनावी मैदान में। मायावती ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उन सीटों पर 7वें चरण यानी कि 1 जून को होनी है वोटिंग। मध्य प्रदेश के बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। मतदान केंद्रों पर आपको बता दें बस में आग लगने के कारण चल गई थी डेटा। बस में 6 मतदान केंद्रों की सामग्री थी, जिसमें 2 मतदान केंद्र की सामग्री सुरक्षित थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज किया नामांकन। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिवर सिंह सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। आपको बता दें कि मंडी सीट पर बीजेपी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीट पर 7वें चरण यानी कि 1 जून को होनी है वोटिंग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी कमर कस ली। इसके तहत प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव प्रचार की कमान संभाली। आज रायबरेली में भाई के समर्थन में प्रियंका गांधी जनसभा को करेंगी संबोधित। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में भी हो चुकी तैयारियां शुरू। यहां पर 25 मई को एक साथ सभी 7 सीटों पर होगी वोटिंग। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में होंगे तैनात। 6,833 मतदान केंद्रों पर वेबकास्ट के जरिए सीधी मॉनिटरिंग की जाएगी। राजधानी में 265 उम्मीदवारों ने दाखिल किया है नामांकन। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 6ठे चरण यानी कि 25 मई को वोटिंग होगी। इसको लेकर बीजेपी ने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए मैदान उतारने की तैयारी कर ली है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में करेंगे रोड शो। 17 मई को गृहमंत्री अमित शाह संगम विहार में करेंगे रोड शो। 21 मई को राजनाथ सिंह उत्तर पश्चिम दिल्ली में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा प्रमुख मायावती आज कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। कन्नौज से पार्टी उम्मीदवार इमरान बिन जाफर के लिए मांगेंगे वोट। आपको बता दें कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी हैं। कन्नौज में 4ठे चरण में 13 मई को डाले जाएंगे वोट।